जहां अभी दो दिन पहले उरुमकी होकर भी आए हैं शी जिनपिंग, ये क्या बताता है दुनिया के चरित्र के बारे में, इस्लामिक मुल्कों के चरित्र के बारे में और चीन के चरित्र के बारे में? पीके श्रीवास्तव सर, देखिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा दिनेश, कि आपने इतने बड़े मुद्दे को आज पहली बार नेशनल टेलीविजन पर इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, और ये सालों की बात है, ये चला आ रहा है, और चीन का हमेशा से ये रहा है। तो आपने हुन चाइनीज का जिक्र किया, हुन चाइनीज की चाइना में डोमिनेंस है, वो रूलिंग कम्युनिटी है, और वो एक तरीके से उन्होंने शिनजियांग को ऐसा कंट्रोल किया हुआ, इतने कंसंट्रेशन कैंप्स हैं जिनको एजुकेशन कैंप्स बोलते हैं, उनके यहाँ पार्टी से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। अगर आप पार्टी की लाइन नहीं फॉलो करते हैं, सिनियराइजेशन नहीं करते हैं, तो आप चाइना के एक तरीके से नागरिक बने रहना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरीके से उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स निकाले हैं, जिस तरह के अत्याचार कर रहे हैं मुसलमानों पर, ये विडंबना है, क्योंकि उन्होंने उनकी जो एक तरीके से जो आर्थिक संपत्ति है, आर्थिक संपन्नता है, उसका फ़ायदा उठा करके उन्होंने सबको चुप्पी में साध रखा है, कोई नहीं बोलता है। वहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, अगर आप उनके बारे में चर्चा करेंगे, मेन मीडिया में आता ही नहीं है, इसका मतलब मीडिया भी एक तरीके से उससे शाही करता है। ये आपने चर्चा करके एक बहुत अभिनंदन करने वाला काम किया है, एक सोच डाली है कि जहाँ कुछ हो रहा है उसके बारे में भी सोचना मुस्लिम समाज का समाज का फर्ज बनता है, कि हम सब लोगों को, सब समाज के लोगों को इसका जिक्र करना चाहिए, और जो जालिम है, जो जो अत्याचार कर रहा है, उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूँ मेजर जनरल संजय मेस्टन, क्योंकि एक तरफ जहां हम ये देखते हैं कि ये बड़ा बड़ा खतरनाक कदम है उइगरों के ऊपर, ये अत्याचार की पराकाष्ठा है, वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि उनका जो अपना स्टेट है, उनका 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 जो गवर्नमेंट चलाने का अपना तरीका है, उसमें वो किस हद तक जा सकते हैं, ये भी उन्होंने तय कर दिया है। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डेमोक्रेसी के नाम पर कई जगहों पर एनार्की देखने को मिले, केओस देखने को मिले। क्या मैं ठीक कह रहा हूं जनरल मेस्टन? एब्सोल्युटली दिनेश, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए, हमें यह समझना है चीन की स्ट्रेटजी क्या है। चीन का जो खासकर सदन और वेस्टर्न इलाका है, जैसे टिबेट ऑटोनोमस रीजन और साथ ही में जिंगयान, ये इनके लिए एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न रहा है हमेशा। आपको पता है टिबेटियंस को तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो बेचारे भारत में आ गए, धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर हैनराइजेशन शुरू कर दिया है, वो सारे हैन चाइनीज सेटल हो गए हैं, पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है। इसी प्रकार जब अफगानिस्तान में हालात खराब थे और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म वहाँ से इरप्ट हो रहा था, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि इस रास्ते, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान के रास्ते से, वहाँ से उनके पास बॉर्डर्स हैं और इस्लामिक ये प्रॉब्लम वहाँ पर शुरू होने के लिए उनको विजुलाइज़ किया था वहाँ शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी अपनाई जो आपने अभी दर्शाई है टीवी में, कि वहाँ पर इनको बिल्कुल डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज करना हर तरीके से, और सुप्रीम अथॉरिटी वहाँ पर जो इनकी कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने ले ली है और रिलीजन को टोटल सबॉर्डिनेट कर दिया है। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि मैं तो बोलूँगा सबसे ज़्यादा शोर दुनिया में पाकिस्तान मचाता है कि मुस्लिम्स की यहाँ यहाँ प्रॉब्लम हो रहे हैं, उनके तो वो बॉर्डर पे है और वही जो यूगर्स और आयरन ब्रदर है सर, वो वहाँ क्यों नहीं शोर कर रहा है? शोर भर नहीं कर रहा है, वो तो गलभैया डाल रहा है, वो तो गंभीर होकर मिल रहा है, वो तो कह रहा है आयरन ब्रदर है। तो अब जरा देखिए, ये बहुत अहम सवाल है जो अभी उठाया है जनरल मिस्टर ने, इसके साथ कई और अहम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं और उनका जिक्र करना बेहद जरूरी है। जेके त्रिपाठी सर के पास जाने के पास पहले, सुमित सर के पास जाने से पहले ये समझना बेहद आवश्यक है कि ये जो ये दोमुहापन है चीन का, ये मुस्लिम वर्ल्ड को भी क्यों गवारा होता है? ये जरा देखिए, ये अहम सवाल क्या उठते हैं यहां। देखिए, शी फोबिया, क्या जिनपिंग को इस्लाम के मौजूदा स्वरूप पर भरोसा नहीं है? उन्होंने उइगरों को सीधे सीधे पूरी कम्युनिटी को आतंकवादी थप्पा मार दिया, क्या उनको मौजूदा स्वरूप में उइगर मंजूर नहीं है, इस्लाम मंजूर नहीं है? क्या जिनपिंग को इस्लाम के मौजूदा स्वरूप पर परेशानी है, और क्या जिनपिंग के इस बयान पर मुस्लिम देश सामने आएंगे विरोध करने, वैसा जैसा वो विरोध करते हैं अमूमन, या जिनपिंग के मामले में माइट इज राइट हो जाएगा? देखिए जिनपिंग, क्या आता हूं जेके त्रिपाठी सर, क्या जिनपिंग के इस बयान से चीन में मुस्लिमों की त्रासदी जाहिर हुई है? क्या जिनपिंग का ये बयान जो कहता है कि हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, माय वे और हाईवे एक्चुअली उन्होंने कहा है, अगर आप उसकी सीधी सीधी तर्जुमानी देखिए, क्या चीन का
पिट्ठू पाकिस्तान इस्लाम पर जिनपिंग के बयान से सहमत होगा? जिनपिंग ने ये जो बयान दिया है उससे वो सहमत होगा क्या? क्या किसी धर्म को देश के हिसाब से बदला जा सकता है? क्या जैसा देश वैसा धर्म होगा या धर्म का एक ही स्वरूप होगा? क्या किसी धर्म को देश के हिसाब से बदला जा सकता है? ये बेहद अहम सवाल है। जेके त्रिपाठी सर, अब आपका जवाब। देखिए, पहले मैं आपके पाकिस्तान संबंधित प्रश्न पर आता हूँ। आपको याद होगा जो 2-3 साल पहले जब किसी ने ये इमरान खान से ये सवाल उठाया था कि आप कश्मीर में जो तथाकथित नरसंहार या तथाकथित एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन आप चीन के युगर मुस्लिमों के बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं? तो उनका बड़ा ही बहुत ही फनी था जवाब था कि अभी हम कश्मीर के बारे में व्यस्त हैं, बाद में इसके बारे में बात करेंगे, जो कि कभी नहीं। और आपकी ये बात भी सही है कि माइट इज़ राइट की बात है कि चीन के पास इतनी सैनिक सामरिक ही नहीं, चीन के पास इतनी आर्थिक ताकत है कि उसके तले दबे हुए देश कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। सऊदी अरेबिया जो कि झंडा बरदार होता था, मलेशिया जो कि झंडा बरदार होता था, और यूएई और कतर वगैरह कितने देश हैं, मोरक्को, ये सब चीन के इस कदम पर चुप चुप के बैठे, ओआईसी कुछ भी नहीं।